देखिए, जब भी देखिए आप जब भी जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्जाम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तैयारी कर और रहे हैं और उसका उसका सिलेक्शन सिलेक्शन आप आप कम कम से से कम कम समय समय में में चाहते चाहते हैं, हैं, चाहे चाहे वो वो आप आप कोई कोई भी भी एग्जाम एग्जाम की की प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर कर रहे रहे हो, हो, तो तो उसके उसके लिए लिए आज आज के के टाइम टाइम पे पे आपको आपको ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज परचेज परचेज करनी करनी ही ही पड़ेगी। पड़ेगी। उसकी उसकी खास खास वजह वजह ये ये होती होती है है कि कि एग्जाम एग्जाम सब सब ऑनलाइन ऑनलाइन होते होते हैं। हैं। पहले पहले के के टाइम टाइम में में ऐसा ऐसा होता होता था था कि कि आपके आपके एग्जाम एग्जाम जो जो होते होते थे थे ऑफलाइन ऑफलाइन बेसिस बेसिस में में होते होते थे, थे, तो आप सॉल्व आप पेपर सॉल्व अनसॉल्व पेपर पेपर अनसॉल्व पेपर लाके लाके लेकर लेकर उसको उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर सकते सकते थे। थे। अब अब ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स एग्जाम्स में में आपको आपको जो जो है है टाइमर टाइमर के के साथ साथ एग्जाम एग्जाम होती होती है, है, सेकेंड्स सेकेंड्स में में आपके आपके सारा सारा खेल खेल होता होता है, है, तो तो आपकी आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी भी उस उस लेवल लेवल पे पे होनी होनी चाहिए, चाहिए, उस उस जोन जोन पे पे होने होने चाहिए चाहिए जहाँ जहाँ पे पे आप आप जो जो है है जिस जिस तरीके तरीके से से आप आप एग्जाम एग्जाम दे दे रहे रहे हैं, हैं, तो तो इसलिए इसलिए जो जो है है ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज का का बहुत बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल रोल होता होता है। है। अब अब ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज में में भी भी देखिए देखिए बहुत बहुत सारे सारे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म हैं, हैं, अलग 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 प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म हैं, हैं, सारे सारे के के सारे सारे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म अच्छे अच्छे ही ही होते होते हैं। हैं। उसमें उसमें से से एक एक नाम नाम जो जो है है टेस्ट टेस्ट बुक बुक है, है, और और टेस्ट टेस्ट बुक बुक का का जो जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है है इसमें इसमें जो जो है है दो दो तरीके तरीके के के टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज यहाँ यहाँ पे पे है है पास पास और और पास पास प्रो। प्रो। अब अब ये ये टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज काफी काफी ज्यादा ज्यादा फेमस फेमस है है टेस्ट टेस्ट बुक बुक की, की, इसकी इसकी दो दो खास खास वजह वजह है। है। पहली पहली चीज चीज तो तो यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या है, है, जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ यहाँ पे पे बनाए बनाए जाते जाते हैं हैं वो वो एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड होते होते हैं, हैं, ना ना ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट होते होते हैं, हैं, ना ना ज्यादा ज्यादा ईजी ईजी होते होते हैं, हैं, जैसा जैसा एग्जाम एग्जाम में में आता आता है है वैसा वैसा टेस्ट टेस्ट बुक बुक यहाँ यहाँ पे पे लाता लाता है। है। तो तो ये ये पहली पहली चीज चीज हो हो जाती जाती है, है, इसलिए इसलिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो जो बिगिनर बिगिनर लेवल लेवल के के होते होते हैं हैं या या फिर फिर लास्ट लास्ट मोमेंट मोमेंट होते होते हैं, हैं, वो वो टेस्ट टेस्ट बुक बुक जरूर जरूर यूज यूज करते करते हैं। हैं। सो सो एक एक टेस्ट टेस्ट बुक बुक एक एक ऐसा ऐसा टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज है है जो जो हर हर स्टूडेंट स्टूडेंट के के लिए लिए कंपलसरी कंपलसरी टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज हो हो चुकी चुकी है। है। अब अब यहाँ यहाँ पे पे देखिए, देखिए, ये ये यहाँ यहाँ पे पे दो दो तरीके तरीके के के जैसे जैसे टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज होती होती है, है, यहाँ यहाँ पे पे होती होती है है पास पास और और पास पास प्रो। प्रो आप आप अपने अपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे पे देख देख भी भी रहे रहे होंगे, होंगे, हालांकि हालांकि मैं मैं आपको आपको एक्सेलेंट एक्सेलेंट यहाँ यहाँ पे पे शो शो भी भी कर कर दूंगा। दूंगा। अब अब यहाँ यहाँ पे पे कैसा कैसा है है कि कि यदि यदि आप आप प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर के के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पेपर से से कोई कोई यूज यूज नहीं नहीं करना करना चाहते चाहते तो तो आप आप सिर्फ सिर्फ पास पास लेकर लेकर के के काम काम चला चला सकते सकते हैं। हैं। ये ये समझिए समझिए कि कि पास पास एक एक लिमिटेड लिमिटेड एडिशन एडिशन है है जिसमें जिसमें आपका आपका अच्छा अच्छा खासा खासा काम काम निकल निकल जाएगा, जाएगा, आप आप ज्यादा ज्यादा अमाउंट अमाउंट नहीं नहीं लगाना लगाना चाहते चाहते तो। तो। और और यदि यदि आप आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से प्रिपरेशन प्रिपरेशन करना करना चाहते चाहते हैं हैं जिसमें जिसमें पास पास प्रो प्रो आता आता है, है, जिसमें जिसमें प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर के के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पेपर भी भी इंक्लूडेड इंक्लूडेड होते होते हैं, हैं, तो तो आप आप पास पास प्रो प्रो लीजिएगा। लीजिएगा। अब अब दोनों दोनों की की प्राइसेस प्राइसेस में में अगर अगर मैं मैं बात बात करूँ करूँ ना, ना, तो तो डिफरेंस डिफरेंस जो जो है है 150 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस आता है। सो आई सो आई सजेस्ट एवरी सजेस्ट वन एवरी की वन आप की जो आप है जो है पास पास प्रो प्रो ही ही परचेज परचेज करिएगा, करिएगा, सो सो दैट दैट आपकी आपकी प्रिपरेशनिंग प्रिपरेशनिंग अच्छे अच्छे लेवल लेवल से से हो हो सके। सके। अब अब इसके इसके साथ साथ एक एक और और चीज चीज आप आप याद याद रखिएगा रखिएगा कि कि टेस्ट टेस्ट बुक बुक की की जब जब टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज आप आप यूज यूज कर कर रहे रहे हैं, हैं, कोई कोई भी भी टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज किसी किसी भी भी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के के यूज यूज कर कर रहे रहे हैं हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन, तो तो एक ही एक ही टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज पे पे आप आप स्टिक स्टिक मत मत होइएगा। होइएगा। आप आप जो जो है है दूसरी दूसरी टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज पे पे भी भी फोकस फोकस करिएगा। करिएगा। अब अब दूसरी दूसरी टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज कोई कोई भी भी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की की हो हो सकती सकती है। है। यदि यदि आप आप ऑलिव ऑलिव बोर्ड बोर्ड की की टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज यूज यूज करना करना चाह चाह रहे रहे होंगे होंगे तो तो मैं मैं आपको आपको स्क्रीन स्क्रीन पे पे उसका उसका ऑलिव ऑलिव बोर्ड बोर्ड का का डिस्काउंट डिस्काउंट कोड कोड भी भी प्रोवाइड प्रोवाइड करवा करवा दूंगा। दूंगा। तो तो उसके उसके साथ साथ आप आप टेस्ट टेस्ट बुक बुक के के साथ साथ में में आप आप जो जो है है ऑलिव ऑलिव बोर्ड बोर्ड की की टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज भी भी लीजिएगा। लीजिएगा। अभी अभी फ्रंट फ्रंट में में जो जो आपको आपको कोड कोड दिख दिख रहा रहा है है ये ये टेस्ट टेस्ट बुक बुक की की टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज के के लिए लिए कोड कोड है है JK36XK86 कोड। JK36XK86 कोड आप आप पास पास में में अप्लाई अप्लाई करिएगा करिएगा तो तो ये ये कोड कोड अप्लाई अप्लाई हो हो जाता जाता है, है, बट बट पास पास प्रो प्रो में में कोई कोई भी भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्काउंट डिस्काउंट किसी किसी भी भी तरीके तरीके का का नहीं नहीं मिलता मिलता है। है। सो सो यदि यदि आपके आपके एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे पे प्राइस प्राइस दिख दिख रही रही है है 350 350 या या 400 400 जो जो भी भी है है और और आप आप चाहते चाहते हैं हैं कि कि और और लो लो स्पाइसेस स्पाइसेस हो हो तो तो वो वो होती होती नहीं नहीं है। है। पास पास में में ये ये कोड कोड अप्लाई अप्लाई हो हो जाता जाता है, है, उसमें उसमें भी भी जो जो न्यू न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट है है सिर्फ सिर्फ उनको उनको अप्लाई अप्लाई होता होता है, है, बहुत बहुत सारे सारे यूट्यूब्स यूट्यूब्स में में आपको आपको कोड कोड दिख दिख रहे रहे होंगे, होंगे, कोई कोई अप्लाई अप्लाई नहीं नहीं होता होता है। है। तो तो ये ये कब कब अप्लाई अप्लाई होता होता है, है, जब जब
मतलब बॉलीवुड की टेस्ट सीरीज में भी अप्लाई हो जाता है। कोड है ED50 एक्स्ट्रा डिस्काउंट 50%। मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन में शो कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो आप इस तरीके से जो है दोनों टेस्ट सीरीज को लेके चलिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि परचेज कैसे करते हैं, एप्लीकेशन पर जाके कहाँ पे क्या चीज़ दिखती है तो और क्या डिफरेंस होता है प्राइसेस का, तो आगे देखिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, उसके पहले कि मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से आप पास और पास प्रो परचेज कर सकते हैं। देखिए टेस्ट बुक में जो पास प्रो है ना, उसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है उसमें रीयूजबिलिटी का चीज़ रहता है। अब ये बहुत काम में आता है, मतलब मान के चलिए आपने एक टेस्ट आज दिया है और जो है एक बार जब देने के बाद में क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा दूसरे प्लेटफॉर्म में भी कि जब टेस्ट देते हैं उसके बाद में आप उसको रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते, उस फॉर्म में नहीं दिखता, सिर्फ आप उसके एनालिसिस के लिए देख सकते हैं, उसको रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे पास प्रो में क्या होता है, रीअटेम्प्ट करने की फैसिलिटी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने आज एक टेस्ट दिया, उसको आपने देने के बाद में जो भी मार्क्स आया उसके बाद में आपने प्रॉपर एनालिसिस किया, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उसको आपने सॉल्व किया। कल फिर आप दूसरा टेस्ट देंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। परसों तीसरा टेस्ट दे रहे हैं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं। चार या पाँच दिन बाद जो आपने पहले जो टेस्ट दिए थे उसमें आपने जब एनालिसिस किया था तो उसमें आपको जो है बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिले थे, आपने एनालिसिस के टाइम में निकाले, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से आउट हो जाते हैं। अब यदि चार या पाँच दिन बाद उसी टेस्ट को आप फिर से देते हैं, सेम फिर से मतलब फ्रेश वे में, तो आप देखेंगे कि आप जब उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने जो एनालिसिस के टाइम पे जो शॉर्टकट निकाले थे, जो मेथड निकाले थे, वो आपके माइंड में वहाँ पे आ जाता है और आप उसको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपके माइंड में जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं वो आपको परमानेंटली फिट हो जाता है। दूसरी चीज़, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सेम टाइम के क्वेश्चन पैटर्न जो है जो हमारा माइंड है उसको कैप्चर करने लगता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इस तरीके से क्या होता है कि आप बहुत कम टेस्ट में भी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस की वजह से, और फ्रेश एग्ज़ाम की तरह दिखता है फिर से वही, तो आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता और आपको बहुत इंटरेस्ट बना रहता है टेस्ट सीरीज़ में। इसलिए पास प्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेस्ट बुक का पास प्रो परचेस करिए, और एज आई सेड कि ऑलिव बोर्ड का मैंने कोड भी आपको दिखाया, आप उसका भी एक टेस्ट सीरीज़ कोई भी है वो परचेस करिएगा। अब देखिए प्राइसेस में मैंने जो आपको कोड बताया है, ऑलिव बोर्ड में तो डेफिनेटली अप्लाई होगा, टेस्ट बुक में ऐसा हो भी सकता है कि ना हो, और ऐसा हो भी सकता है कि हो। अगर ना हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन पे ही सबसे बड़ा डिस्काउंट कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मैं टेस्ट सीरीज़ की ही बात कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। अब यदि आपको कोर्स, जो कि टेस्ट बुक के बहुत ज़्यादा प्रीमियम कोर्सेज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, फेमस है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दे रहे हैं, यदि आपको कोर्स में आपको इंटरेस्ट है टेस्ट बुक के, आपको स्क्रीन पे ही नंबर दिख रहा है, आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप के थ्रू 24/7 अवेलेबल है, और कॉल के थ्रू भी आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना लॉगिन नंबर प्रोवाइड करेगा, उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड भी अवेलेबल हो जाता है, मतलब आपके एप्लीकेशन पे जो कोड दिख रहा होता है ना, जिस तरीके से अभी टेस्ट सीरीज में दिख रहा होगा या फिर कोर्सेज में भी आप जाएंगे तो दिखेगा 30% या फिर जो भी है, उसमें आपके अलावा आपको 20-30% और एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये मान के चलिए कि आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो वो कोर्स आपको महज आधे प्राइसेस में अवेलेबल हो जाता है, मतलब आधी फीस में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, इंक्लूडिंग पास प्रो भी मिलता है आपको। तो आप ये जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स भी आप अगर चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप कोर्स का प्लान बना रहे हैं टेस्ट बुक से, क्योंकि देखिए टेस्ट बुक के कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है और टीचर्स मल्टीपल फैकल्टीज यहाँ पे है, एक एक सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल है और सिलेक्शन ओरिएंटेड है। प्राइसेस ऑलरेडी ऐसे भी बहुत कम है, फिर भी आपको लग रहा है तो इस नंबर पर कॉल करिएगा और जो कोड आपको मिलेगा सिंपली अप्लाई कोड में आप क्लिक करिएगा या फिर आपको लिंक मिल जाता है, आप लिंक से भी पे कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका कोर्स बहुत ही लोवेस्ट प्राइसेस में स्टार्ट हो चुका है। तो आप ये जो है इस नंबर को यहाँ से सेव कर लीजिए इन फ्यूचर के लिए भी, यदि आपको फ्यूचर में कोर्स परचेस करना है। और मैं बोल रहा था आपको कोर्स परचेस करना है तो आप पास प्रो मत लीजिएगा, क्योंकि कोर्सेज के साथ में मैं आपको ऑलरेडी पास प्रो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, सारे एग्जाम्स उसमें कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल एग्जाम जिसका आप कोर्स ले रहे हो ऐसा नहीं, सारे एग्जाम्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप जो है उस तरीके से आप सोचिए कि आप जो है अगर कोर्सेज के साथ में जा रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप जो भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका जो है कैसे सॉल्व करना है, कहीं पे डाउट आ रहा है तो उस कोर्सेज में डाउट क्लासेस भी होती हैं जिसमें आप उस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डाउट जो आ रहा है, क्योंकि आप घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हो ऑनलाइन तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं आपके दूर दराज में, कहीं भी आपके फ्रेंड सर्कल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है।
तो आप कोर्सेज परचेस करिए नॉमिनल कॉस्ट में, कोर्सेज के लिए आपको नंबर मैंने शो कर दिया है, उस नंबर पे आप कॉल करिए और लोएस्ट प्राइसेस में कोर्स स्टार्ट करिए, उसके साथ टेस्ट सीरीज़ को आप आगे बढ़ाइए। कोर्सेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यदि आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब से आप करेंगे तो बहुत आउटडेटेड ट्रिक्स है, आउटडेटेड कंटेंट चल रहा है, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्राउड भी बहुत अच्छा आ रहा है, बट वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो एग्ज़ाम में आजकल नहीं आ रहा है। इसलिए आप पेड कोचिंग लीजिए, पेड कोचिंग में बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे जो विद्वान यहाँ पे बैठे रहते हैं उसके बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है कि क्या ट्रेंड है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या एग्ज़ाम आने वाला है, उस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमाउंट पे करके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके एग्ज़ाम को कम समय में क्लियर करने के लिए। अगर आप पेड कोचिंग लेते हैं तो कम समय में आपका एग्ज़ाम क्लियर होने की फुल गारंटी रहती है, और यदि आप यूट्यूब में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा, क्योंकि एक एक कंटेंट आप अलग अलग फैकल्टी से, कभी ये वीडियो से, कभी वो वीडियो से देख रहे होते हैं, टाइम बहुत लंबा खींच जाता है, और फिर आपको फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी माइंड में कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और इस बीच में टाइम बहुत चला जाता है। तो आप जो है पॉइंट टू पॉइंट, फोकस टू फोकस प्रिपरेशन करिए, कोई सेल्फ स्टडी नहीं होती गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन पे, आपको आपको मार्गदर्शन चाहिए होता है, इसलिए पेड कोचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ओली बोर्ड से भी पेड कोचिंग ले सकते हैं, कोड मैंने जो दिया था वो आपको वहीं पे अप्लाई हो जाएगा, आप अप्लाई करके बहुत लोएस्ट प्राइसेस में ले सकते हैं, बट टेस्ट बुक की कोचिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप टेस्ट बुक की कोचिंग के लिए मुझे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पासपोर्ट कैसे परचेज करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली टेस्ट बुक एप्लीकेशन खोलना है, देखिए इस तरीके का सिंबल दिखता है, आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा और यहाँ पे आप सिंपली टेस्ट बुक लिखेगा, टेस्ट बुक देखिए एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोडेड है आपके पास में, इंस्टॉल करके आएगा। टेस्ट बुक के दो तीन एप्लीकेशन भी होते हैं, तो यदि आप एक मोबाइल में दो लॉगिन यूज़ करना चाह रहे होंगे तो भी पॉसिबल हो जाता है, दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आते हैं टेस्ट बुक में, टेस्ट बुक में आने के बाद यहाँ क्लिक करिएगा, आप देखिए जैसे टेस्ट बुक में आते हैं तो आपके पास में स्क्रीन इस तरीके से शो नहीं करेगी जैसा अभी यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन आपको देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगी, वेट करेगा, इस तरीके से आपको स्क्रीन शो करेगी। यहाँ पे जो करंट ऑफर चल रहे होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, विजिबल होगा, बहुत सारे यहाँ पे जो ऑफर चल रहे होंगे, और नीचे देखिए ऐसे बटन्स होती है, अगर आप कोर्सेज पे इंटरेस्टेड है तो आप इस ऊपर पे क्लिक करिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत सारे जो कोर्स आपने सेलेक्ट कर रखे हैं जैसे UGC वगैरह, तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। अब मान के चलिए कि आपको यहाँ पे जो है एक सेकंड, आपको देखिए यहाँ पे जो है जो कोर्सेज दिख रहे हैं आपको जो परचेस करना, आप सिंपली उस पर क्लिक करिएगा, और मैंने आपको कोर्सेज में डिस्काउंट के लिए ऑलरेडी नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वही नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं उस नंबर पे और मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर है। ठीक है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 9424876834। यदि आप फ्यूचर में कोर्स का प्लान बना रहे हैं तो भी आप उस नंबर को सेव करके रखिएगा। अब चलते हैं आपको टेस्ट सीरीज़ का कैसा परचेज करना है, तो देखिए लेफ्ट साइड में तीन लाइनें बनी हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना रहता है, आप देखेंगे यहाँ पे पास पास प्रो इस तरीके का ऑप्शन है, सिंपली आप पास प्रो पे क्लिक करिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पास प्रो में क्या बेनिफिट होते हैं, फिर भी यदि आपका एग्ज़ाम बहुत कम समय में है और आप टेस्ट सीरीज पेड यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप जो है पास पे चले जाइएगा, उसकी फ़ीस जो है नॉमिनल सी होती है, तो आप इजीली अफोर्ड कर लोगे। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये कोड जो मैंने आपको दिया था JK36XK ऑलरेडी अप्लाइड है, उसके बेसिस पे आपके बहुत लोएस्ट प्राइसेस में मिल जा रहा है। अगर इतने प्राइसेस में आपको नहीं मिल पा रहा है और कोड अप्लाई नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपको टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट अलाउड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ रहता है। कोर्सेस में देखिए हम लोग हमारे पास पूरा एक्सेस होता है, तो कोर्स में आपको हम लोग आपको आधे प्राइसेस में भी अवेलेबल करवा देते हैं बहुत से कोर्सेज। तो यहाँ से आप देखिए जो भी आप प्लान सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको लाइफ टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, सिंपली आप ये परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको पास प्रो चाहिए जैसा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, तो पास प्रो के लिए आप देखिए यहाँ पे ये ईयरली लाइफ टाइम 179 रुपीज़ का है, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये इतने लोएस्ट प्राइसेस में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये कोड अप्लाइड है और ये जिस अकाउंट है इसमें पहले से ही टेस्ट सीरीज परचेस किया गया था, इस वजह से जो है इसमें टेस्ट बुक उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहा है प्राइसेस में। तो आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से प्राइसेस परचेस कर सकते हैं। अप्लाई कूपन कोड में जाइएगा आप यहाँ पे लिखिएगा जे, सब कुछ कैपिटल में रहेगा, के फिर रहेगा 36 फिर रहेगा एक्स
और फिर रहेगा के, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड है इसलिए इन, और टेक्स्ट बुक बहुत पहले से ही इसको बहुत बड़े ऑफर दे रखा है इस अकाउंट पे, तो इसलिए इनवैलिड दिखा रहा है, आपके यहाँ वैलिड दिखा देगा, और नहीं दिखा रहा है तो समझ लीजिए आपके काम का नहीं है कोई भी चीज़। फिर आप यूट्यूब में जितना भी सर्च करेंगे कोई भी कोड आपको अप्लाई नहीं होगा। तो आप यहाँ से अप्लाई करके इस तरीके से अप्लाई करेगा, और यहाँ पे जो है प्राइसेस कम होने पे आप बाय पे क्लिक करेगा, सिंपली आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑली बोर्ड का टेस्ट सीरीज भी थोड़े दिनों में स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑली बोर्ड का कोड होता है ED50, दैट मीन्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट 50%, उसका फुल फॉर्म होता है ED50। इसी तरह आप अप्लाई करेगा और वहाँ से भी टेस्ट सीरीज को आप यूज़ करना स्टार्ट करिए साइमल्टेनियसली, सो दैट आपका सिलेक्शन अच्छे से 100% गारंटी के साथ में हो सके। और एंड एज आई सेड, आपको कोर्सेज में चाहिए बेनिफिट, डिस्क्रिप्शन में नंबर है सेम जो भी मैंने स्क्रीन में दिखाया था, आप मुझे उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं टेस्ट 2 के साथ में, थैंक यू सो मच।